नमस्कार, जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। और मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में विद्युत विभाग काफ़ी सक्रिय है। हमारे ज़िले में भी विभिन्न जगहों पर विद्युत विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं एक नागरिक के नाते आपसे अपेक्षा करता हूं कि हम सब विद्युत विभाग के द्वारा जो कार्रवाइयाँ हैं ये नहीं हों, इसके लिए हम विद्युत कनेक्शनों से छेड़छाड़ नहीं करें। ये हमारा मोटो है कि हम एक स्वच्छ नागरिकता नागौर जिले जैसे ज़िले में स्थापित करें। और अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 राजस्थान द्वारा प्रस्तुत नागौर हेडलाइंस, जिसमें नागौर ज़िले की समस्त अपडेट आपको दी जाती है। चलिए फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। नागौर कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में बाइक चुराने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों से चेनार गांव एवं नागौर शहर से चुराई गई एक एक बाइक को भी किया बरामद। आरोपी अमीन तथा रोहित नागौर में हुई बाइक चोरी की कई वारदातों में हो सकते हैं शामिल, इसके चलते की जा रही है पूछताछ। जिला मुख्यालय नागौर स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित हुई विभिन्न जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ महिला एवं पुरुषों के लिए 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर रेस के साथ साथ वॉलीबॉल और कबड्डी के खेलों का भी हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी भंवरराम सियाग भी रहे मौजूद। 100 मीटर रेस प्रतियोगिता में पुरुषों में हुल्लास राय प्रथम तथा मनीष गोदारा ने प्राप्त किया द्वितीय स्थान। वहीं 200 मीटर रेस में प्रथम स्थान राकेश तथा दूसरे स्थान पर रहे धर्मेंद्र। 400 मीटर रेस में प्रथम स्थान पर धर्मवीर तथा द्वितीय स्थान पर देवी सिंह रहे। महिलाओं की बात करें तो 100 मीटर रेस प्रतियोगिता में पूजा रही प्रथम तथा जसोदा ने प्राप्त किया द्वितीय स्थान। 200 मीटर रेस में शीतल रही प्रथम तथा मीनाक्षी को मिला दूसरा स्थान। वहीं 400 मीटर रेस में प्रथम स्थान पर रही सुमन। और साथ ही साथ बात करें वॉलीबॉल प्रतियोगिता महिला वर्ग की, तो जिसमें जयराम गीता देवी बेनीवाल पांचला सीधा टीम की रही विजेता तथा सईद मुलाराम क्लब कटौती की टीम रही उपविजेता। कबड्डी महिला वर्ग में सईद मुलाराम क्लब कटौती की टीम रही विजेता। भीमनाथ शहर में संचालित विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्पोर्ट ग्राउंड में कल नगरपालिका चेयरमैन रचना होलानी के मुख्य अतिथि में फागोत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित, जिसमें बांगड़ अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर इंदिरा राम राणा, पूर्व उपनिदेशक पशुपालन विभाग परसाराम बेंदा, बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रवण राम सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के सानिध्य में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर बांधा समा। इस मौके पर विवेकानंद शिक्षण संस्थान के चेयरमैन रूपाराम पलसानिया द्वारा अतिथियों का माला पहनाकर किया गया अभिनंदन। इस मौके पर बड़ी तादाद में अभिभावक एवं शहर के गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। रंग और गुलाल से सरोवर इस कार्यक्रम में विद्यालय के अनुपाराम द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन भी किया गया प्रस्तुत तथा संस्थान के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की प्रमुख उपलब्धियों को बताकर भविष्य में शिक्षण क्षेत्र में किए जाने वाले नवोचारों से करवाया अवगत। इस मौके पर मंच संचालन पुष्पा शर्मा के साथ सोहनलाल बालारा और कंचन द्वारा किया गया। नागौर शहर के लोडाका चौक स्थित काली पोल में महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया फागोत्सव कार्यक्रम, जिसमें एक दूसरे के गुलाल लगाकर फागुनी गीतों पर नृत्य करते हुए ठाकुर जी को रिझाया गया। होली के पर्व को लेकर शहर की महिलाओं का कहना है कि जीवन में सभी रंगों का है महत्वपूर्ण स्थान, ऐसे में फागोत्सव के तहत मनाया गया उत्साह। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री लक्ष्मीनारायण मुंडेल के नेतृत्व में कल देखी द कश्मीर फाइल फिल्म। इस मौके पर नागौर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल। कई ऐसे लोग भी आए जिन्होंने सिनेमा में फिल्म 15 वर्षों बाद, किसी ने 20 वर्षों बाद, तो किसी ने 35 वर्षों बाद देखी थी। धन्यवाद देना चाह रही हूँ, इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया था तभी अभी किसी को नहीं मालूम था कि ये फिल्म क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। तो जिस तरह मैं सबको जिसे फ़ोन किया ना, तो उन्होंने कहा कौन सी फिल्म किसकी। जब मैं इसको देखा और सबने देखा तभी हर एक लेडीज़ के लिए हर मतलब इनको इतना दुख और इतना मतलब हमारा हम लोग अंदर से इतना डर है, और जैसे जिनके ऊपर ये सब कुछ हुआ उनके क्या हालत हुई। 90 की जो कहानी है वो इस पिक्चर से दोहराई गई है
और आज मोदी है तो संभव है 370 की धारा हटी, और किस तरह से आज पंडितों को वहां से जहां उनका मूल निवास स्थान था, जहां उनकी भूमि थी, जहां उनका कर्म स्थलीय था, उनको किस तरह से शरणार्थियों की तरह उन्होंने कश्मीर से बाहर निकाला। तो यहां जितने भी दर्शक इस मूवी को देखने के लिए आए, मैं उनकी राष्ट्रीयता को सलाम करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में एक जनता से फिल्म प्रमोट हुई है। बाकी फिल्म प्रमोशन के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाया जाता है, बड़ी बड़ी न्यूज प्रमोट की जाती है, लेकिन ये पहली ऐसी मूवी है जिसको इस देश की जनता ने प्रमोट किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा 7 मार्च को झुंझुनू से शुरू की गई पेंशन विजयोत्सव और चेतना यात्रा का कल नागौर में हुआ स्वागत। जिला मुख्यालय स्थित बलदेवराम मिर्दा धर्मशाला में किया गया स्वागत तथा आयोजित हुआ सेमिनार। इसके पश्चात पदाधिकारियों सहित संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने धर्मशाला से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर 17 सूत्री मांग पत्र प्रेषण का रखा कार्यक्रम। राजस्थान कोविड स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश जाखड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश बांगड़ा के नेतृत्व में कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिलाध्यक्ष मुकेश कासनिया ने बताया कि जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करवाकर कई महीनों का बकाया वेतन का करना चाहिए भुगतान। कल सभी ब्लॉक के स्वास्थ्य सहायकों ने वेतन की प्रमुख मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर लामबंद होकर सौंपा ज्ञापन। आगामी त्यौहार होली तथा सब्बे रात को लेकर नागौर की कोतवाली थाने में कल सीएलजी सदस्यों की बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें कोतवाली पुलिस के साथ डीएसपी विनोद कुमार सिपा ने सीएलजी सदस्यों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर की चर्चा। साथ ही दोनों त्यौहारों को शांतिपूर्ण मनाने की अपील करते हुए लोगों को जागरूक करने की कही बात। इस मौके पर सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों से पुलिस को करवाया अवगत। मकराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए पीटीए थेरेपिक संबल एवं अभिभावक परामर्श शिविर हुआ आयोजित। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रविराज सिंह राठौड़ रहे मुख्य अतिथि। कार्यक्रम प्रभारी योगेश कुमार जिंदल ने बताया कि शिविर में कुल 31 विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं एवं 40 अभिभावकों ने लिया भाग। फिजियोथेरेपिस्ट मोहम्मद इकबाल द्वारा फिजियोथेरेपी संबंधी क्रियाकलाप एवं परामर्श देकर संवर्धन क्रियाकलापों पर डाला गया प्रकाश। वहीं मकराना शहर के आदर्श नगर स्थित अल मदद विकास सेवा समिति द्वारा संचालित MACU सेंटर पर अल मदद विकास सेवा समिति के तत्वाधान में मुस्लिम अकलियत समाज संस्थान के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का समारोह पूर्वक किया गया अभिनंदन। इसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल रहीम, उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम, सचिव अब्दुल शकूर सहित अन्य पदाधिकारियों का साफा एवं माला पहनाकर किया गया अभिनंदन। डेक कस्बे के इंदिरा कॉलोनी स्थित श्याम बाबा के मंदिर में रात्रिकालीन भव्य जागरण एवं भजन संध्या का हुआ आयोजन, जिसमें युवा कार्यकर्ताओं ने मंदिर को सजाते हुए रखा भजनों का कार्यक्रम, जिसमें मुख्य कलाकार दौलतराम गरबा, सुनीता स्वामी सहित अन्य कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। वहीं कस्बे के युवाओं ने होली पर्व पर चंग बजाकर बनाया माहौल। होली पर्व पर रात को कस्बे में होली एवं कबड्डी का होता है प्रतिवर्ष आयोजन, जिस पर ग्रामवासी लेते हैं खूब आनंद तथा फागुनी धुन पर युवा नृत्य करते मनाते हैं पर्व। वहीं रियाबड़ी में भी श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में डीजे की धुन पर ठाकुर जी के मंदिर से बस स्टैंड होते हुए श्याम मंदिर तक निकाली गई भव्य यात्रा। यात्रा में श्याम भक्तों द्वारा हाथों में निशान लेकर खाटू श्याम बाबा के नारों से वातावरण को किया गया गुंजायमान तथा गुलाल और फूलों से होली खेलते हुए सदर बाजार श्याम मंदिर में मनाया उत्सव। कुचेरा के कैरियर शिक्षण संस्थान में वार्षिकोत्सव मनाया गया धूमधाम से। इस मौके पर अतिथियों का माला एवं मसापा पहनाकर किया गया स्वागत तथा छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कई कार्यक्रम। इस मौके पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा किया गया सम्मानित।
वहीं मारवाड़ मुंडवा में सेठ रामचंद्र शिव नारायण बंग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा में भी फेयरवेल पार्टी का हुआ आयोजन, जिसमें अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत तथा कार्यक्रम में विद्यालय की बालिकाओं द्वारा राजस्थानी परंपरा के साथ अन्य रंगारंग कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। मारवाड़ मुंडवा में मंगलवार दोपहर जोहर की नमाज के बाद जाना शहीद बाबा की दरगाह पर उमड़े हजारों जायरीन। मुंडवा शहर में स्थित जाना शहीद और बहादुर शहीद बाबा की दरगाह पर मनाया गया 57वां सालाना 3 दिवसीय उर्स, जिसमें कल शाम कुल की रस्म के साथ उर्स का हुआ समापन। जोहर की नमाज से असर की नमाज तक कवाली का चला प्रोग्राम, जिसमें एक से बढ़कर एक कवालों ने प्रस्तुत की अपनी कवालियाँ। प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट में रियाबड़ी में सिविल कोर्ट नहीं खोलने तथा रियाबड़ी के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं करने को लेकर उपखंड मुख्यालय पर ACJM कोर्ट खोलने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना कल 10वें दिन भी रहा जारी। एडवोकेट रामकिशोर तिवारी हुक्माराम ने बताया कि नागौर में पॉक्सो कोर्ट खोलने की मांग का भी हम करते हैं विरोध। तो ये थी आज के इनकी नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे और आपने हमें खूब सारा प्यार दिया है, खूब समर्थन दिया है, इसी तरह का प्यार और समर्थन आप देते रहिए। हम यूं ही आपके बीच में खबरें लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।